सबसे पहले तो 10 सब्सक्राइबर्स के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ताइबाई, चेन और बाकी सब एक साथ अर्थ पर आ चुके थे और वहाँ आने के बाद उन्हें रियून का पता लगाना था, इसीलिए ताइबाई सबको कुनलुन माउंटेन के बारे में बताता है और कहता है कि शायद हमें वहाँ कुछ पता चल सकता है। अब कुनलुन माउंटेन पहुँचने के बाद उन्हें वहाँ एक आदमी मिलता है और वो ताइबाई से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वैसे हम आपको बता दें कि हमारे सेकंड चैनल पर भी एक न्यू सीरीज आ चुकी है जो कि बहुत ही मस्त है, तो आप कमेंट सेक्शन के लिंक से उस सीरीज को देख सकते हो। अब वीडियो की तरफ आने से पहले हमने पिछले वीडियो के लास्ट में बोला था कि मेंगू के बारे में हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, तो अब आपको बता दें कि वो मून गर्ल है और इसीलिए चीन उसका नाम सुनकर शॉक था। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ताइबाई उस आदमी के पास जाता है और हमें उस आदमी का नाम वेंग पता चलता है। फिर ताइबाई वेंग से कहता है कि ब्रदर मुझे मास्टर से एक काम है, क्या तुम हमारी मास्टर से मिलने में हेल्प करोगे। लेकिन वेंग अपने मन में कुछ सोचता है और ताइबाई से कहता है कि भाई तुम तो बहुत लकी हो क्योंकि एक तो तुम्हारे संग मून गर्ल मेंगू है और साथ में इतनी सारी सुंदर सुंदर लड़कियां। फिर हम देखते हैं कि ताइबाई वेंग से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये सब हमारे मेहमान हैं। अब वेंग कहता है कि कुनलुन माउंटेन पर मेहमानों का क्या काम। तो अब चेन वेंग से कहता है कि तुम तो बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हो। फिर वेंग चेन से कहता है कि अच्छा तो मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। फिर चेन उससे कहता है कि मैं यहाँ के मास्टर से मिलने आया हूँ। अब हम देखते हैं कि ताइबाई वेंग को समझाने की कोशिश करता है कि ये लोग बहुत दूर से आए हैं, इन्हें मास्टर से मिलने दो। अब वेंग कहता है कि तुम सब कितने बेशरम हो, मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहा हूँ और फिर भी तुम यहीं पे खड़े हुए हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम थोड़े हैंडसम हो और तुम्हारे साथ इतनी सुंदर गर्ल्स हैं तो तुम क्या सबसे ग्रेट हो गए हो, तुम मुझे हरा तक नहीं सकते समझे, और तुम यहाँ पर मास्टर से मिलने आए थे ना, जाओ मैं तुम्हें मास्टर से मिलने की परमिशन नहीं देता। अब ताइबाई वेंग से कहता है कि तुम बहुत आगे तक जा रहे हो। अब वेंग उसे कहता है कि अभी कहाँ, अभी तो मैं आगे तक गया ही नहीं हूँ, तुम्हें पता भी है कि मुझसे पंगा लेने का क्या मतलब हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर चार आदमी आ जाते हैं और वो वहीं के गार्ड थे। अब वेंग कहता है कि मैं रॉयल फैमिली का मेंबर होने के साथ साथ इस कुनलुन माउंटेन पर फर्स्ट जीनियस इमॉर्टल के पोस्ट पर भी हूँ और तुम सोचते हो कि तुम मुझे बोलने से रोकोगे, और इतना कहते कहते वो वहाँ से आगे बढ़ता है। और फिर ताइबाई से कहता है कि वैसे तो अभी तक मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब तुम इस अजनबी लोगों को यहाँ पर लेकर आए हो और तो और इनकी तरफ से बोल भी रहे हो, इसलिए मुझे तुम पर भी शक होने लगा है, शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। और फिर वेंग सब गर्ल्स से कहता है कि तुम लोग अगर चाहो तो कुनलुन माउंटेन सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि कुनलुन माउंटेन सेक्ट दुनिया का सबसे पावरफुल सेक्ट माना जाता है। अब शियाओ से कहती है कि अगर इस सेक्ट में हम तुम्हारे जैसे खराब लोगों से साथ रहे तो हम भी खराब हो जाएंगे, और तुम्हारे जैसे खराब लोग हैं तो मैं यहाँ कभी नहीं आने वाली। अब वेंग शियाओ से पूछता है कि तुमने खराब किसको बोला, तो अब शियाओ कहती है कि तुमको कहा, तुम्हारे अलावा यहाँ पर खराब है भी कौन। अब वेंग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो शियाओ से कहता है कि लगता है तुम्हारा आज लास्ट डे है, और इतना कहकर वो शियाओ पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ताइबाई सामने आकर वेंग को रोक देता है। अब वेंग का अटैक स्ट्रॉन्ग था इसलिए ताइबाई पीछे को फेंक जाता है, लेकिन उसने वेंग को रोक दिया था। फिर ताइबाई वेंग से कहता है कि अब बहुत हो गया वेंग, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अब वेंग उससे कहता है कि अच्छा तो तुम हेवनली लेवल के इमोर्टल हो, मगर इतना मुझे हराने के लिए काफी नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि चेन सोच रहा है कि हेवनली लेवल के इमोर्टल मतलब कहीं पिक गॉड लेवल तो नहीं। दूसरी तरफ वेंग ताइबाई के ऊपर अगला अटैक करने को रेडी हो जाता है और फ्रॉम एक्सट्रक्शन अटैक करता है, जिसमें कि वेंग के पीछे हवा में कुछ लाइटनिंग पोर्टल ओपन हो जाते हैं और उनमें से लाइटनिंग स्ट्राइक निकलने लगती है। लेकिन उस स्ट्राइक से ताइबाई आराम से बच जाता है और फिर वेंग अपनी सारी लाइटनिंग स्ट्राइक को एक साथ करके अटैक करता है, लेकिन मेंगू सामने आकर ताइबाई को बचा लेती है। और फिर वेंग ताइबाई से कहता है कि तुम तो लड़की के पीछे छुप रहे हो, वैसे तुमने क्या सोचा कि ये लड़की तुम्हें बचा लेगी। अब इतना सुनते ही मेंगू अपने मून स्ट्राइक से वेंग को ऊपर अटैक करती है, लेकिन वेंग भी अपनी लाइटनिंग से अटैक को रोक देता है। और फिर हम देखते हैं अपनी पूरी पावर के साथ मेंगू पर अटैक करने आता है और तभी इतने में शैडो गर्ल सामने आ जाती है और अपने डिमन पावर को एक्टिवेट करके वेंग पर अटैक कर देती है, और अटैक इतना पावरफुल था कि वेंग पीछे फेंक जाता है और उसके चेस्ट को पकड़कर कहता है कि अरे ये तो डिमन है। और फिर वो चारों गार्ड्स आकर वेंग को संभालते हैं। फिर वेंग उन्हें बताता है कि ये इमोर्टल एक डिमन को यहाँ पर ले आए हैं, शायद ये लोग हमारे मास्टर को
को चोट पहुंचाना चाहते हैं। अब शियाओ कहती है कि डिमन तो तुम हो। ये सुनकर वैंग और उन चारों गार्ड्स को गुस्सा आ जाता है और वो चारों गार्ड्स उन पर अटैक करते हैं। फिर हम देखते हैं कि चेन आगे आ जाता है और कहता है कि डिमन कहने से कोई डिमन नहीं हो जाता, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति डिमन है। फिर वो चारों गुस्से में चेन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि चेन चारों को वहीं पर अपनी पावर से रोक देता है और फिर दूर फेंक देता है और कहता है कि मैं आज पहली बार कुनलुन माउंटेन पर आया हूं और मैं कुछ भी हंगामा नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहते हो तो बाद में इल्जाम मुझ पर मत लगाना। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कर देना, और अगर आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा है आपका बहुत बहुत थैंक यू गाइस। तब तक के लिए बाय।